नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, कुवैत के भी बड़े धड़ल्ले से लोगों के पास वीज़ा भी आ रहे होंगे, आप लोगों के पास भी वीज़ा आ रहे होंगे। बिना आपका मेडिकल किए वीज़ा दे देते हैं, बिना आपका कुछ किए आपको ऑफर लेटर वीज़ा सब कुछ दे देते हैं। थोड़े से पैसे में तनख्वाह डबल होती है तो आप आराम से पैसा भी दे देते हैं। कुवैत के ज़्यादा वीज़ा आ रहे हैं मेरे पास, पिछले 5-10 दिन के दौरान कम से कम 20-25 वीज़ा मेरे मोबाइल पर आए हैं। हालांकि फ़ीस वो नहीं देते, वो अलग चेक बात है कि उनसे बात नहीं हो पाती। बाकी हम कुछ लोगों के वीज़ा मेरे पास आए हैं, आज एक बंदे से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो भाई, जो कुवैत जाने वाले हैं वो देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आपको फैसला लेना है। अगर आपका पैसा चला गया, मेडिकल करवा लो जी, ये करवा लो, वो करवा लो, आपको पता है जो आपके साथ एजेंटों की डील होती है क्या क्या आपको बताते हैं, वो तो आप सबको पता ही होगा जो कुवैत जाने में इंटरेस्टेड होते हैं। जबकि साफ साफ पता है कि फ़्लाइटें बंद हैं, वीज़ा बंद हैं, फिर भी लोग कुवैत जाते हैं। किस तरह से जाते हैं, वो घर के वीज़ा वो ही आता है उनके पास, जाते नहीं हैं वो, ठीक है जी। पैसा इतना कम बताते हैं, 35-40 हज़ार में कुवैत भेज देंगे, जबकि आपको पता है कुवैत का लोग जो गए थे ना, 1-1 लाख रुपये, 1.5-1.5 लाख रुपये खर्च करके पहुँचे थे वो, जिनके पास वीज़ा था, सिर्फ जाने जाने का चार्ज इतना था। अब एजेंटों को भाई, कंपनियों को क्या ज़रूरत है आपकी कि इंडिया के लोगों को वो 1.5-2 लाख रुपये खर्च करके आपको कुवैत में बुलाएगी। वहीं पर भी उनको आधे मिल जाते हैं, दूसरे देशों की जो फ्लाइट हैं वहीं से मिल जाते हैं, लेकिन नहीं जी, एजेंट लोग हैं, देंगे, ज़बरदस्ती देंगे। यहाँ पे देखिए, ऑफ़र लेटर भी मिल गया वहाँ तक, ठीक है, वीज़ा भी मिल गया। तो आप देखिए ऑफ़र लेटर पहले, कुवैत का ये ऑफ़र लेटर आप देख सकते हैं, पूरा कंपनी का एड्रेस दिया गया है भाई, देखिए पूरा कॉन्सुलेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी कुवैत, इस तरह से एड्रेस है, एम्प्लॉयमेंट है, ये देख सकते हैं, नाम बंदे का पूरा दिया गया है, पासपोर्ट, पोस्टन इसमें वेल्डर का है जी, वेल्डर का इसमें पोस्टन है। सैलरी देखो जी, 230 KD कुवैत में, अगर आप कुवैत में लोग रहते हैं या पहली बार जा रहे हैं तो आपको बताना कमेंट करके कि 230 KD तनख्वाह मिल जाती है कुवैत में, बेवकूफ़ बनाने की हद होती है भाई। देखो 3 मंथ का आपका वीज़ा रहेगा, आगे रिन्यूअल पीरियड दे रखा है, देखिए जी। शटडाउन का वीज़ा है, शटडाउन के वीज़ा में आपको 10 महीने का काम करना है, उसमें भी प्रोबेशन पीरियड 1 मंथ आपकी ट्रेनिंग रहेगी। जी हाँ, अकोमोडेशन सब कुछ फ्री, फूड फ्री, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, वर्किंग आवर्स 8 घंटे ड्यूटी नॉर्मल है, ओवर टाइम आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, ज्वाइनिंग डेट विल बी एडवाइज्ड बाई कंपनी बेस्ट, कंपनी बोलेगी तब आपको ज्वाइनिंग करनी है। साइड इंश्योरेंस देखो, अरे यार इसमें तो बहुत बातें बताई गई हैं, 10-12 बातें, इस तरह से ऑफर लेटर बना दिया एकदम शॉर्ट तरीके से। टर्मिनेशन रेजिग्नेशन भी दिया गया है, अपर लॉ कुवैत लेबर लॉ के हिसाब से आपका होगा, ज्वाइनिंग रिटर्न टिकट भी बताई गई है भाई कंपनी देगी, अदर बेनिफिट भी सब मिलेंगे आपको, देखिए जी ये ऑफर लेटर है। अब इतनी चीज़ें आपको कोई दे दे तो आप तो खुश होगे ना, आराम से खुश हो जाओगे। ये ऑफ़र लेटर है, इसके बाद में आपको ये वीज़ा देख सकते हैं, वीज़ा है भाई आपका, बिना पैसे आपको वीज़ा मिल गया, एंट्री वीज़ा है। हालांकि ये वीज़ा देखने में सही होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एडिटिंग का कमाल होता है कि इस वीज़ा को आप चेक करोगे तो वीज़ा अप्रूव्ड दिखाता है। अब इसमें नहीं तो नाम आता है, नहीं पासपोर्ट नंबर आता है, यहीं पर बंदे को कन्फ्यूज़ हो जाती है। वीज़ा नंबर इसमें 10 नंबरों का एक अक्षर आता है, उसको आप डालोगे कुवैत की जो वीज़ा का ऑप्शन है वहाँ पर, वीज़ा ऑनलाइन शो करेगा आपको अप्लीकेशन अप्रूव्ड। अब ये वीज़ा यार नाम और पासपोर्ट चेंज करके कितने को भी दिखा दो, सब में यही दिखाएगा एप्लीकेशन अप्रूव, तो इसको क्या प्रूफ माने कि ये वीज़ा आपका सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिल जाए, 100% श्योर नहीं हो जाए, तब तक आपको एजेंट को पैसा नहीं दें, बिना मेडिकल वीज़ा दे रहे हैं। मेरे पास भी एक और आया, वो एक वीडियो और बनाऊंगा उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे ज़्यादा काम सिंगापुर का और कुवैत का मुझे फेक लगता है भाई, क्योंकि ये वीज़ा ही इस तरह से आते हैं कि आराम से चेक हो जाते हैं, सबसे सस्ता वीज़ा आता है, इनका कोई पैसा नहीं लगता है, इस वजह से ये लोग कुवैत का और सिंगापुर का सबसे ज़्यादा वीज़ा देते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।